वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि आईएएस पीसीएस। देखिए यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है तो अब हमारी रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है कि यहां से हमें अब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलना है। तो इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर, जैसे कि आप सभी को पता है कि विजन के जो करंट अफेयर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर हम यहां से प्री प्लस मेन्स की तैयारी करते हैं विजन के साथ में। ठीक है, तो जो प्री एंड मेन्स के सेक्शन जो मैं डालती थी अब वो मैं विजन के करंट अफेयर नोट्स डालूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट विदाउट फर्दर डिले। इसमें सबसे पहला टॉपिक है, देखिए ऐसे हम करेंगे कि पहले एक पॉलिटी फिनिश कर लिया, फिर दूसरा हमने कोई दूसरा सब्जेक्ट किया, तो ऐसे एक वीडियो में हम एक एक वो चैप्टर्स फिनिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें है विभागीय समिति। विभागीय समिति मतलब डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। यह सुझाव दिया जा रहा है कि विभागीय समिति जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडर्ड कमिटीज को पुनर्गठन किया जाना चाहिए ताकि ये समितियां अपनी जांच संबंधी दायित्वों को, दायित्व जो इनके हैं उनको बेहतर तरीके से निर्वहन कर सके। 1993 में पहली बार 17 DRSCs का गठन किया गया था। DRSCs मतलब डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। ठीक है, तो वर्तमान में 24 DRCs कार्यरत हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, हम इसको DRCSE बोलेंगे शॉर्ट में। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक DCRS में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। इस बात को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, लोकसभा के 21 और राज्यसभा के इसमें 10 सदस्य होते हैं। ये आपको जो लोक लेखा समिति और प्राकलन समिति है उसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो उससे में और इसमें थोड़ा सा फर्क है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें 15 और 7 सदस्य होते हैं, तो इसमें 21 और 10 सदस्य हैं। तो तदर्थ समितियों के विपरीत ये स्थायी समिति स्थायी प्रकृति की होती है। ठीक है, तो ये स्थायी समिति स्थायी प्रकृति की होती है। इनके तीन महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य है, उनके समक्ष प्रस्तुत विधेयक की जांच करना, मंत्रालयों से संबंधित विशिष्ट विषयों का चयन करना एवं सरकार द्वारा किए गए इनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना, विभागों से संबंधित बजटीय परिपक्व फिर इसको बोलते हैं बजटरी आउटले की जांच करना, सदन के अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा इन समितियों के समक्ष विधेयक को प्रस्तुत करना। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो DRSCs के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, सभी विधेयक समितियों में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जैसे कि GST बिल को किसी भी DRSC में प्रस्तुत किए बिना ही पारित कर दिया गया था। समितियों की सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए इनका पुनर्गठन करने की बात की जा रही है। इनकी पहुंच केवल बाह्य विशेषज्ञों तक ही होती है, लेकिन इनमें कोई आंतरिक विशेषज्ञता विद्यमान नहीं होती है। यह मंत्रालय के दैनिक प्रशासनिक मामलों में पर विचार नहीं करती है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से बोलते हैं, ये इन समितियों की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है, सभी विधेयकों को समितियों में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जैसे GST। इनकी पहुंच केवल बाह्य विशेषज्ञों तक ही सीमित होती है, लेकिन इनमें कोई आंतरिक विशेषज्ञता विद्यमान नहीं होती है। मंत्रालय में दैनिक प्रशासनिक मामलों पर विचार नहीं करती है। अब हम बात करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति से संबंधित जो मुद्दा चल रहा था, CEC के अपॉइंटमेंट का इश्यू। देखिए संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार CEC व अन्य CSE की नियुक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार की जाएगी। हालांकि संसद द्वारा अभी तक ऐसा कोई कानून बनाया नहीं गया, अतः इसके संबंध में अभी तक कोई भी आवश्यक प्रावधानों का अभाव है। तो उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से प्रश्न किया कि अभी तक इस संदर्भ में आवश्यक कानून का निर्माण क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति का दायित्व पूरी तरह से कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति निर्भर करता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें कि जब जो एक जो मुख्य निर्वाचक आयुक्त है, अब वो राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा, वो भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर, तो कहीं ना कहीं इनकी पारदर्शिता, इनकी ट्रांसपेरेंसी पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इस प्रश्न चिन्ह को ही लेकर इनकी जो नियुक्ति से संबंधित मुद्दे व्यवहार में आ रहे थे। EC से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है ये और हम आपको बता दें। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचक आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई
कोई हो जितने जितने समय राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे से मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता विधिक शैक्षणिक प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की गई है। इसमें इनकी किसी भी तरीके की इनकी मतलब सदस्यों की जो अर्हता है वो निर्धारित नहीं की गई है कि इनको विधि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस तरीके की कोई भी संविधान में इस चीज का वर्णन नहीं है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों का पर सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्ति पर भी रोक नहीं लगाई गई है, ठीक है। इसमें ऐसा भी नहीं कहा गया है कि एक बार इस जैसे कि लोक लेखा समिति सॉरी लोक लेखा में जो कैग का पद होता है उसके बाद आप किसी दूसरी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, इसी तरह से इसमें भी इस तरीके का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। मुख्य निर्वाचक आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा नहीं किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचक आयुक्त की निर्णय संबंधी शक्तियां भी समान होती है जिससे दोनों में समान स्थिति की पुष्टि नहीं हो पाती और एक कॉन्फ्लिक्ट आप देख सकते हैं उठता है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 324 का प्रावधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मनमाने ढंग से हटाए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं यह प्रावधान निर्वाचन आयुक्तों को हटाए जाने की प्रक्रिया के विषय में भी मौन है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि उन्हें पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ओके, तो ये इसमें हो गया। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं उपकर एक राजस्व वृद्धि उपकरण के रूप में सेस एज अ रेवेन्यू राइजिंग टूल 15वें वित्त आयोग द्वारा अधिभार एवं उपकर सेस के प्रयोग की कानूनी वैधता पर एक अध्ययन प्रारंभ किया गया है। देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये 2019 का जो एक संपूर्ण करंट अफेयर आता है ये उसका पीडीएफ है, ठीक है। तो विगत कुछ वर्षों में से कर राजस्व के प्रति आपको एक बात और बता दूं मैं कि हमें एक साल का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करना होता है, तो इसीलिए मैंने ये लिया। ओके, विगत कुछ वर्षों से कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में केंद्र हेतु उपकर एवं अधिभार में वृद्धि हुई है। ये दोनों करारोपण लेवी भारत की संचित निधि में जमा किए जाते हैं, मतलब जो भी सेस या फिर कर आते हैं भारत की संचित निधि में जमा किए जाते हैं जो कि केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन का पुल मूल भाग नहीं है। संविधान के जो प्रावधान है तो संविधान अनुच्छेद 271 कुछ शुल्क एवं करों पर संघ के प्रयोजनों हेतु अधिभार अनुच्छेद 269 एवं 270 में किसी बात के होते हुए भी संसद द्वारा उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों में से किसी भी समय संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी और किसी ऐसे अधिभार के संपूर्ण आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे। देखिए मतलब ये क्या कह रहा है, सीधे सीधे ये कह रहा है जो भी कर आएंगे वो संचित निधि में चले जाएंगे और अनुच्छेद इसमें केंद्र को एक शक्ति प्राप्त करता है कि ये कुछ उनमें कटौती कर सकती है जो राज्य और करों के मध्य बंटवारा होता है, ठीक है। अब हम उपकर और अधिभार में थोड़ा सा देख लेते हैं कि उपकर और अधिभार क्या है। तो इसमें किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु आरोपित किया जाता है उपकर को। उपकर कर का उप मतलब छोटा, ठीक है। तो उपकर क्या होता है, इसे किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु आरोपित किया जाता है, और अधिभार क्या होता है, इसे किसी भी उद्देश्य हेतु आरोपित किया जा सकता है। और उपकर में निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति होने पर उपकर को समाप्त कर दिया जाता है, और जो अधिभार है इस प्रकार के प्रतिबंध जारी समाप्त करने संबंधी अधिभार पर लागू नहीं होते हैं। सभी भुगतान योग्य करों अधिभार सहित पर लागू होता है उपकर। हालांकि इसमें कुछ अपवाद हैं जैसे कृषि कल्याण उपकर केवल कुल सेवा मूल्य पर ही आरोपित किया जा सकता है, और अधिभार क्या होता है, यह कुल सेवा मूल्य पर अधिरोपित किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अरुणाचल की दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो अरुणाचल टू टायर पंचायती राज व्यवस्था। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा अंचल समिति को समाप्त करने और राज्य में द्विस्तरीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के
के तहत सभी राज्यों में त्रिस्तरीय अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अपनाने का प्रावधान किया गया। हालांकि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्य स्तरीय स्तर पर पंचायतों का गठन अनिवार्य नहीं है। अब द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वाले राज्य जैसे केंद्र शासित प्रदेश, जिनके बारे में हम जान लेते हैं, वो है गोवा, मणिपुर, सिक्किम, दादरा एवं नागर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप मध्यवर्ती पंचायत नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल द्विस्तरीय व्यवस्था ही शामिल की गई है। अब हम बात करते हैं सोशल ऑडिट के बारे में, ठीक है। तो ये सोशल ऑडिट क्या है? देखिए, मेघालय सामाजिक लेखा परीक्षा कानून को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहां पर कोई भी पहला राज्य बन जाए वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, कौन बना है? मेघालय। मेघालय सामाजिक लेखा परीक्षा कानून को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मेघालय ने सामुदायिक भागीदारी एवं लोक सेवा सामाजिक लेखा परीक्षा 2017 अधिनियम को लागू किया है। सोशल ऑडिट से आशय वैधानिक रूप से अनिवार्य उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी कार्यक्रम के संभावित और मौजूदा लाभार्थियों द्वारा कार्यक्रम से संबंधित अधिकारियों आंकड़ों की यथार्थ वास्तविकताओं के साथ तुलना करके कार्यक्रम क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जाता है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की लेखा परीक्षा ऑडिट राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज संस्थाओं PRI व शहरी निकायों ULBS की प्राथमिक या फिर बाह्य लेखा परीक्षा, राज्य की स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग LFAD द्वारा या राज्य के कानूनों में विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा द्वारा की जाती है। अब बात हम करते हैं लोक लेखा कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद CAPART। CAPART क्या है, ठीक है? तो काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास के लिए की गई थी। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। याद रखिएगा, एक स्वायत्त निकाय है। यह स्वैच्छिक संगठनों और सरकार के बीच उभरती साझेदारी को प्रोत्साहित करने और समन्वय स्थापित करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो CAPART का काम क्या है, यह देखो, सबसे पहले बात तो ये एक स्वायत्त निकाय है, उसके बाद ये जो स्वैच्छिक संगठन है, ठीक है, और सरकार के बीच एक साझेदारी का काम करती है। अब हम बात करते हैं इंक्विजिशनल सिस्टम। इंक्विजिशनल सिस्टम क्या है? सरकार द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली CGS में सुधारों से संबंधित मल्लीमथ समिति की रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता किया जा रहा है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में इंक्विजिटोरियल सिस्टम का ग्रहण किया जाना चाहिए। यह एक कानूनी प्रणाली है जहां न्यायालय या न्यायालय का एक भाग किसी बात के तथ्यों की जांच में सक्रिय रूप से शामिल होता है, ठीक है। तो यह है इंक्विजिशनल सिस्टम। यह एडवर्सरियल सिस्टम या फिर आप ये बात करें सामान्यतः भारत में लागू है इसके विपरीत, जिसमें न्यायालय की भूमिका मुख्य भूमिका के रूप में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के मध्य एक निष्पक्ष निर्णयकर्ता की होती है, ठीक है। तो एडवर्सेरियल भारत में है और ये लोग कह रहे हैं कि जो मलिमत समिति की रिपोर्ट है इंक्विजिटोरियल सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं ई समीक्षा। ई समीक्षा क्या है? ई समीक्षा एक ऑनलाइन निगरानी तथा अनुपालन तंत्र है। इसमें कैबिनेट सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की तकनीकी सहायता से विकसित किया गया है। इसका उपयोग परियोजनाओं और नीतिगत पहलों की प्रगति और की निगरानी करने, रियल टाइम के आधार पर कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की जांच करने के लिए किया जाएगा। केंद्र के विभागों को उन विशिष्ट लक्ष्यों हेतु विस्तृत योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए जिन्हें 2022 तक प्राप्त किया जाना है। इन लक्ष्यों की निगरानी प्रधानमंत्री द्वारा ई समीक्षा प्लेटफॉर्म के तहत की जाएगी, ठीक है।
तो एक बार फिर से बता दूं, ई समीक्षा एक ऑनलाइन निगरानी पोर्टल है, आपको ये याद रखना है। इसका उपयोग परियोजना और नीतिगत पहलों की प्रगति की निगरानी करने, ठीक है, जो भी परियोजनाएं चल रही हैं वो उनका किस लेवल तक वो पहुंची है, कि उनकी प्रोग्रेस क्या है, उसके लिए ई समीक्षा पोर्टल एक लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, भारत में 2017 के संदर्भ में इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के मौजूदा चरण में भाग ले रहा है। आईसीपी एक वैश्विक सांख्यिकी पहल है जो विश्व बैंक की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। यह क्रय शक्ति क्षमता शक्ति क्षमता पीपीपी के आधार, जो पीपीपी मॉडल है, के आधार पर विभिन्न देशों के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और इसके घटकों की तुलना में सहायता करता है। पूरे देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कीमत संबंधी आंकड़ों का संग्रहण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन में मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसमें कुछ मिसलेनियस है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो मिसलेनियस में क्या है, देखिए, अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने के लिए शैक्षिक न्याय और सोसाइटी को अब नीति आयोग के साथ गैर सरकारी संगठन के रूप में पंजीकृत करना होगा, चाहे वे सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे हो अथवा नहीं। सरकार द्वारा यूनिफाइड प्लानिंग एंड एनालिसिस इंटरफेस UPAAI अथवा सॉल्यूशन नामक ऐप लॉन्च की गई है। यह सांसदों को उनके राज्यों में हो रहे विकासों के कार्यों की निगरानी रखने में सहायता करेगी। इसकी निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए एक नए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रेरणा प्रशिक्षण पर व्यापक ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया है। COMMIT प्रोग्राम को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT ने UNDP के सहयोग से विकसित किया है। यह राज्य सरकार के नव नियुक्त अधिकारियों को सामान्य डोमेन विशिष्ट दक्षताओं से विकसित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। ये योजना न्याय विभाग UNDP द्वारा लागू किए जा रहे हैं। एक्सेस टू जस्टिस प्रोजेक्ट फॉर वर्जिनाइजर पर्सनल के कार्यक्रम इसमें है। तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल सेक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करके अच्छे से आप लोग देखते रहिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।